कोरोना मृत्यु संख्यारे नाही ब्रेक, राज्यरे आज सर्वकालीन 42 आक्रांत मृत्यु रेकर्ड। आज 8,839 कोरोना पॉजिटिव, खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 1235 आक्रांत, सेपटे देश में 1,34,154 संक्रमित चिन्हट। सफल है भारत कोविड कूटनीति, टीका कंचामाल जोगाइबा आमेरिका वाशिंगटन कहला, कोविड आरंभ में भारत करोग के भूलना। मंत्री बोली मानिले कोविड नियम, मलकानगिरी बंडाघाटी में कोरोना कटकणार ध्वजा उड़ाइले शासक दलर नेता और कर्मी, कोरोना सचेतनता कहवाक जाए निजे मानिले सामाजिक दूरता। सुरक्षाकर्मी उपस्थित में लुटने दानबाक्स, श्रीमंदिर पश्चिम द्वार निकट विश्व शांति अखंड हरिनाम संकीर्तन मंदिर लुट अभियोग, पुरी सिंहद्वार थाना एतला। कबाड़ी कारखाना ना बेआईन मद व्यवसाय, अबकारी विभाग ठू 100 मीटर दूर में प्रस्तुत होता मद, अतर्कित चढ़ाउ कर विपुल परिमाण मद जबत कला खुंटा पुलिस। कोरोना काल में खुशी खबर, केन्दुझर आनंदपुर उपखंड के बालीपाड़ आसला आशार आलोक, जंगल आदिवासी बुझे कटकणा, गांव को एजाए छुईनी महामारी। आसवा संपूर्ण खबर को वर्तमान पूरी रे चली, जेहेतु आज रही रथ भौरी उत्सव, तबे आज अखचक डेराजीव महाप्रभु आज्ञामाला आसी सारी, रथ में संजोग बा चक्र संजोग आलोक अच्छा आम सहित पूरा सीधा सड़क दृश्य मध्य देखुं जे वर्तमान अखडेरा नीति अनुष्ठित हो सारी, अख लग सारी चक अख ये संजोग हो सारी। आज्ञामाला नीति किसी समय पूर्व सीधा सड़क दृश्य मध्य आम आपको देखाऊ जे आज्ञामाला प्रभु आसी सारी, आज्ञामाला पर वर्तमान अखचक डेरा नीति अनुष्ठित हो सारी। आलोक कौन ताजा दृश्य आसुची? चिन्मय, वर्तमान तालध्वज रथर चक अख डेरा हो जाए, किंतु आज्ञामाला तीन रथर वर्तमान लगा जाए ना, जेहेतु श्रीमंदिर आज्ञामाला आसी रथकड़े पूजा पंडा सामंत मैंने विश्राम नहीं, कारण तीन रथर प्रथम चक अख डेरा आप देखुं सीधा सड़क दृश्य आम देखा चाहिए। जेहेतु तालध्वज रथर भई सेवायत मैंने प्रथम हरिबल पकई चक अख डेरा नीति संपन्न करते वर्तमान महाप्रभु श्री जगन्नाथ नंदीघोष रथर वर्तमान चक अख डेरा नीति संपन्न होने सीधा सड़क दृश्य देखुं वर्तमान भई सेवायत मैंने चक अख चखरे दुईट चखरे अख डेरीबे। निश्चित भाव में अनन्य परंपरा ये महाप्रभु विचित्र परंपरा, कारण द्वादश यात्रा मध्य रथयात्रा हूँ अन्यतम रथयात्रा कहींपर प्राथमिक भाव देखने सीधा सड़क दृश्य श्रीजगन्नाथ दुईट जाक चक्र बर्तमान अख संजोग भई सेवायत मैंने मतलब हरिबल पकईंट तो निहत भावे यापर मैं देवी सुभद्रा आम कहींपर देवी सुभद्रा रथ चक्र बर्तमान चक अख डेरा नीति संपन्न होतापर तीन रथर जो पूजा पंडा सामंत मैंने अच्छा से मैंने आने निश्चित भाव में आज्ञामाला आने जितेबाला तीन रथ में लगे निश्चित भाव से आम कहींपर अन्य परंपरा देखा मिले, कारण कोरोना कटकणा भितर बिना भक्त सबकिपर चली चिन्मय निहाती भाव में आप दृश्य देखुं जगन्नाथ चकर दुईट चक गोटे चक अख डेरा हो गल आउ गोटे चकर अख डेरा जा निश्चित भाव देखुं समस्त सेवायत मन में उत्कंठा रही हरिबल हरिबल आध्यात्मिक परिवेश रही, कारण निवेदिता चिन्मय 9 हरिबल रथ निर्माण प्रक्रिया शेष होता है भई सेवायत मैंने आज प्रथम हरिबल पकईंटे देखुं भई सेवायत मैंने किभली भाव में समर्पण मनोभाव रखिकी महाप्रभु सेवार नियोजित होती, कारण भई सेवायत मान प्रमुख भूमिका चिन्मय रही है रथ निर्माण में सबुठ कष्ट कम हो भई सेवायत मान देख सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए दुईट नंदीघोष रथर मध्य दुईट चक और अख संजोग प्रक्रिया होगा और हरिबल पड़े निश्चित भाव में ये जो परिवेश हरिबल हुड़ुड़ी में संपूर्ण श्रीक्षेत्र प्रकंपित हो पड़ी निहत भाव में ताजा दृश्य देखु देखुले गोटे हरिबल पड़ी, कारण 9 हरिबल रथ निर्माण प्रक्रिया शेष हबार विधि विधान रही है। वर्तमान देवी सुभद्रांकर चक अख डेरा नीति संपन्न होाथमिक पर्यायर तालध्वज रथर चक अख नीति संपन्न कर
महाप्रभु श्रीजगन्नाथ मध्ये चक अख नीति संपन्न करागला। वर्तमान देवी सुभद्रा चक अख नीति डेरा जीव बा चक अख डेरा कार्यक्रम अनुष्ठित हम निहाती भाव में ये अनन्य परंपरा को देखापी संपूर्ण भाव में कौन भक्त नहाती कारण भक्त शून्य हो भौरी यात्रा प्रशासनिक व्यवस्था व्यापक कारण पांच प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर कौन भक्त श्रद्धा जब न आसी पारे बड़दाण्ड अंचल को संपूर्ण 144 लागू कर पांच प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कर देखुंत सीधा सड़क दृश्य माँ सुभद्रा रथर बर्तमान चक अख डेरा नीति संपन्न होनन्य परंपरा से ब्रह्म मुहूर्त टी ताजा दृश्य मुझे देखा चाहिए से भई सेवायत मान द्वारा बर्तमान देवी सुभद्रा रथर गोटे चक बर्तमान डेरा जाव गोटे चक डेरा जा पर अगर चकटी को डेरा जाव अर्थात दुईट चक्र अख डेरा जाए देखुंत सीधा सड़क दृश्य बर्तमान चक अख डेरा नीति संपन्न कर देवी सुभद्रा रथर निश्चित भाव में श्रीक्षेत्र आज अनन्य श्रीक्षेत्र आज चलचंचल निश्चित भाव रही पड़े कारण ये परिवेश देखा समस्त उत्कंठा था कि कोरोना महामारी चिन्मयी समस्त पूर्णच्छेद पकईची गोटे विराट प्राचीर सृष्टि कर भगवान और भक्तों मध्य केवल बिना भक्त भौरी यात्रा अनुष्ठित होती भाव में आप ताजा दृश्य देखा चाहिए बड़ देवी सुभद्रा रथर आउ गोटे अख को चक सह डेरा जाव निश्चित भाव में यापर मैं हरिबल पड़ निहाती भाव में देखु केतेज सेवायत भू सेवायत समस्त सबुठ कष्टम रथ निर्माण में जदि सबुठ चिन्मयी कष्टम थाए भू सेवायत मान कारण महाप्रभु प्रति से निष्ठा महाप्रभु प्रति से समर्पण मनोभाव न रखिले एत बड़ कष्ट कम भू सेवायत मान द्वारा केवे भी हो पारे निहत भाव में ये हूँ अनन्य दृश्य आम चेस्ट करूँ भू सरदार प्रतिक्रिया आज्ञा हरिबल पड़े टी आमको जनइबे हाँ जनइबू आप हरिबल पड़े अखचक डेरा कार्य चली भाव में अक्षचक डेरा कार्य चलू आप देखुंत अक्षचक डेरा कार्य देवी सुभद्रा रथर शेष चक निश्चित भाव में कहींपर विजय कहाड़ी बाजिगला कहींपर सीधा सड़क दृश्य आज्ञा मेला आसा चिन्मय आम आपको सीधा सड़क दृश्य देखा चाहिए देवी सुभद्रा रथर चक अख डेरा छर उपर चक अख डेरा होगा निश्चित भाव में आम कहींपर आज्ञामा बर्तमान बाहर रथखड़ आज्ञामा बाहर पूजा पंडा सामंत मैंने आज्ञामा आने प्रथम प्राथमिक पर्यायर से बड़ भाई बलभद्र बाड़े आज्ञामा लगे सुभद्रा बाड़े आज्ञामा लगे कहींपर निश्चित भाव में रथखड़ तो संपूर्ण चलचंचल देखुं देवी सुभद्रा रथर चक सह अख डेरा कार्य हम आप आज्ञामा ताजा दृश्य देखा चाहिए जेहतु तीनोटाक रथर चक अख डेरा नीति संपन्न हो जाए बर्तमान आज्ञामा आसूसी बलभद्र रथर प्राथमिक भाव में आज्ञामा लगे आज्ञा कौन रही अनन्य परंपरा माला मुकुंद शिरसा अनुपम प्रमोद जो भाला धरी महाप्रभु जो अधर चुम्बित माला देखुं त्रिभुवन नाथ जी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा से होती बड़बाड़ सामंत दृश्य आप देखुं पवित्र उत्सव आज आज हूँ भौरी जात्रा एवं यही भौरी जात्रा रे आज अखचक डेरा नीति अनुषित होगा पर बलभद्र रथर लगाईगला यापर देवी शुभ एवं देवी सुभद्रा रथर मध्य आज्ञामा लगे पूजा पंडा सेवायत मैंने प्राथमिक भाव में बलभद्र रथर आज्ञामा लगे यापर देवी सुभद्रा रथर आज्ञामा लगे आप सीधा सड़क दृश्य देखुंत अनन्य परंपरा भिन्न एक परिवेश सृष्टि निश्चित भाव में बर्तमान नंदीघोष रथर बर्तमान आज्ञामा लगे और शेष पर्यायर देवी सुभद्रा रथर आज्ञामा लगे निहत भाव में सीधा दृश्य देखिपारे बर्तमान नंदीघोष रथर आज्ञामा लगभग सीधा सड़क दृश्य आम देखू कारण बलभद्र रथर आज्ञामा लग सारी निहत भाव में सीधा सड़क दृश्य देखिए आज्ञामा बर्तमान तीन रथर जो मुख्य महाराणा मैंने अच्छा नंदीघोष रथर आज्ञामा लगे गोटे कहींपर कि समय भितर ये हूँ सीधा सड़क दृश्य नंदीघोष रथर आज्ञामा पूजा पंडा सामंत मैंने लगे विजय कहाड़ी बाजिला घंट बाजिला निश्चित भाव श्रीक्षेत्र संपूर्ण चलचंचल हो पड़ा आम चेष्टा कर आलोचना कर आलोचना कर विजय महापात्र जोड़ी आज्ञा यही मुहूर्त को अपेक्षा करते आपत हाँ निश्चित भाव में पवित्र भौणी तीर्थ आज प्रभु चकड़ संपूर्ण है सब वर्ष आम यही नीति को अपेक्षा करूँ आज पवित्र भौणी तिथि प्रभु चकड़ नीति यथार्थ हाँ निश्चित भाव में रथ कार्य सुचारू रूप संपन्न हम निहती भाव में चिन्मयी जहाँ शुणुते बर्तमान रथ कार्य बर्तमान नड़िया बाड़िया कार्य संपन्न होखुंत जो आज्ञामा निश्चित भाव में महाप्रभु ठार आज्ञामा आसापर बर्तमान कार्य संपन्न आम आलोचना करवा सहित गवेषक अच्छा आज्ञा आज्ञामा परंपरा कौन देखि माला मुकुंद शिरसा अनुपम प्रमोद भाला धरी महाप्रभुंकर आज्ञामा परंपरा आरंभ होता प्रथम जो विद्यापति आसी दर्शन करने
ସେତେବେଳେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଜ୍ଞାମାଳାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳା ହିଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳା ସେବେଠୁ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଯେ କି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେବେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞାମାଳା ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାମାଳା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଆଜ୍ଞାମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଡେରା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚକକ ଡେରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆମେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚିନ୍ମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ଆସିବ, ଚକଅଖ ଡେରା ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୂଜାପଠ ସେବା ଯୋଡ଼ି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଗତ ବର୍ଷ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚିନ୍ମୟ, ଆଜିର ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖି କିଭଳି ଭାବେ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ କରାଯିବ? ନାଇଁ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କୋଭିଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିକ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତ ଯାହା ବି ହେବ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଆଖି ରଖିକରି କରାଯିବ। ଆର୍ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ପୁଲିସ ଆଉ ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇକରି ଆମେ ଗୋଟେ SOP ବାହାର କରିବୁ, ସେ ଅନୁସାରେ କରିବୁ। ସାର୍, ତଥାପି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା ଗତଥର ବର୍ଷ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ବିନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କି ଛତିଶା ନିଯୋଗରେ ବୈଠକ ହେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ? କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ଏମିତି ୟୁନିଲାଟ୍ରାଲି ଆମେ ନେବୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେବ। ମିଟିଂରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ରଖାଯିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ର କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପବ୍ଲିକ ଯଦି ଆଲାଉ କରିବା ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ଆମେ ଫେସ୍ କରିବୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ପବ୍ଲିକ ଆଲାଉ ହେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଯଦି ବା ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ବସି କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯିବ? ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ କି କୌଣସି ଲୋକ ସବୁ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ବସି କରିକି ଆରାମସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମେ କହିପାରିବା ବିନା ଭକ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତିନି ରଥର ଚକଅଖ ଡେରା ନୀତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଚିନ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଆଉ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଅଖଚକ ଡେରା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାହା ଆସିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ନଡ଼ିଆପଡ଼ା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକ ଆମ ସହିତ ଦେଖାଉଥିଲେ ବା ପୁରୀରୁ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାରି ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାହିଁ ବ୍ରେକ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ 42 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କଟକ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହିତ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,873କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 8,839 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4,948 କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ଲୋକାଲ କେସ୍ 3,891 ରହିଛି। ଆଜି ବି ତାଲିକାର ଉପରେ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 1,235 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 10,594 ଜଣ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୋଟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 790,970 ଛୁଇଁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି 85,423। ଦେଶରେ ଲଗାତାର 1.5 ଲକ୍ଷ ତଳେ ଆସୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 1,34,154 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ
ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2887 ଜଣଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ 211,469 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର 21 ଦିନରେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଯାବତ 2,63,90,584 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 22,10,43,693 ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। सीधासलख नजर पकाइबा बीजेपी सांबादिक सम्मेलन उपरे जे पॉलिसी निर्धारण करिथिले एवं सारा देश प्रशंसा करिथिला से आस बात्या को भारतीय जनता पार्टी तरफ कोऑर्डिनेटर काम देखुथिले आमर वरिष्ठ नेता भारतीय जनता खाद्य खाई भोकिला पेट को बुझाइले दिव्यांग युवक। कोविड कालर एक विकल दृश्य आसी गंजाम जिलूर बुगुड़ा बसस्टाण दीर्घ चार दिन है भोक उपास पड़ रही युवक जनक। लॉकडाउन जो खावा को नपाई एणे तेणे बुलुले कि बदान्य व्यक्ति गाई और कुकुर मानी खाद्य अखा उपरे बेले युवक जनक गोटाई खाऊ देखा मिलता जो दृश्य हृदय विदारक। ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୃତଦେହ। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଡ଼ିପୁର ଗାଁର ଗୁରୁଦେବ ବରାଳ ନିକଟସ୍ଥ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର କିଶୋର ବରାଳଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।
श्रीमंदिर पश्चिम द्वार निकट विश्वशांति अखंड हरिनाम संकीर्तन मंदिर दानवाक्स लुट गत विलंबित राति में दुर्वृत्त मैंने मंदिर दानवाक्स ताड़ी जमापड़ पश्चिम द्वार से सुरक्षाकर्मी राति में जगुवा बेले निकटस्थ एक मंदिर कि लुट है से नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होने मंदिर परिचालक पुरी सिंहद्वार थाना एतला देते बर्तमान खबर ये बुलेटिन को ये रखु नमस्कार।